Audio Jungle. मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के धूलकोट क्षेत्र में नवीन आदिवासी छात्रावास में पदस्थ अधीक्षक द्वारा छात्रावास के बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जिससे छात्र काफी परेशान हो रहे हैं। छात्रावास में पदस्थ अधीक्षक सुखीराम पवार द्वारा बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत लेकर छात्रावास के बच्चे जनसुनवाई में पहुंचे। बच्चों का कहना है कि अधीक्षक उन्हें घटिया किस्म का नाश्ता और खाना देता था। यही नहीं, वह शराब पीकर बाहरी लोगों के साथ जुआ भी खेलता था। जब बच्चों ने इनकी शिकायत कलेक्टर से करने की बात कही तो उन्हें अश्लील शब्दों के साथ जान से मारने तक की धमकी दे डाली। और हॉस्टल में तभी प्रवेश रहेंगे हम, नहीं तो हम अगर गाली गुलज करते हैं शाम को। सुखराम सिंह पवार तो क्या करता है आप लोगों को? सर अभद्र व्यवहार करता है, दारू पी के आता है ना, अभद्र व्यवहार करता है और बोलता है कि गवर्नमेंट तुमको आगे से पैसे नहीं दे रही है, जो मिल रहा है वही खाओ। बोलो एक गिलास दाल निकालते हैं बच्चों के लिए राशन में, तो एक गिलास दाल 28 जन कैसे खाएंगे सर? उसमें दाल का ठिकाना नहीं, सब्जी का ठिकाना नहीं, किसी के पास आलू आता है, किसी के पास पानी आता है। सर मैं तो 12th निकल गया सर। वो सर दारू पी के आते हैं और बच्चों को परेशान करते हैं, और हॉस्टल के समस्या बताने पर वो बोलते हैं कि आगे से शासन पैसे नहीं दे रही है, मैं क्या करूँ, मैं मेरे जेब से खर्चा कर रहा हूँ करके ना, जितना दे रहा उतना खाओ करके ना बोलते हैं। और जो न्यू एडमिशन ले रहे सर, उनसे भी पैसा ले रहे सर, 2-3 हज़ार रुपये ले रहे सर एक एक फॉर्म के। न्यू एडमिशन का तो सर, न्यू एडमिशन तो बात ही है कि न्यू एडमिशन वालों को पैसे लगते, तो उससे तो हमको कोई एतराज नहीं है। पर पुराने बच्चे जो भी उत्तीर्ण करके 10वीं में गए हैं, उनसे भी पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं और पैसे उनसे भी मांग रहे हैं। छात्रावास से कुछ छात्र आए हैं, इनकी संख्या लगभग 20-25 है, इन्होंने आवेदन दिया हुआ है। ठीक है, और उनके आवेदन के आधार पर उसमें कुछ उन्होंने शिकायत की है कि शराब पी करके आता है, इनसे फीस की मांग कर रहा है, वो 1,000 रुपये 3,000 रुपये की मांग कर रहा है। तरह कोई भी बात पूछने पर या शिकायत करने पर उनसे ये कहता कि तुम्हारा नाम काट दूंगा, है फिर तुमको फिर से, और तुम में से कोई भी कलेक्टर कर ले या DU कर ले गया तो मैं तुमको वहाँ से हटा दूँगा। ये मेरे संज्ञान में है, कल मैं इस संबंध में वहाँ जाकर के धूलकोट और उससे रूबरू बात करता हूँ, और अगर इसमें सच्चाई पाई जाती है तो छात्रों हित में ही इनकी मांग के अनुसार उसको हटाने के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मेरे बुरहानपुर से नौशाद नूर की रिपोर्ट।